यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और ये मैं जखौ और नलिया के बीच में मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है, हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी कम है, बावजूद यहाँ पर अभी भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी है। यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे उखड़ने की जानकारी मिल रही है और इसी के चलते डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जसप्रीत, कोई हताहत नहीं हुई है जब तक आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। अब तक सरकार के पास ऑफिशियल फिगर्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी इस उपलब्धि यह कहें इस पूरे साइक्लोन के भीतर सरकार के इवैक्यूएशन प्लान की कि एक भी हताहत नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस हद तक तेज़ हवाएं चल रही है। ये जखौ और नलिया से जोड़ती हुई सड़क है और यहाँ पर इक्का दुक्का कार, वो भी खासतौर पर मीडिया जहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही कार के अलावा यहाँ पर कोई कार यहाँ पर दिख नहीं पा रही। और यहाँ पर एक धारा 144 वैसे भी लागू है, ऐसे में कोई लोग घरों से बाहर ना निकले यही हिदायत दी गई थी। और आज चूंकि ये पूंछ है, अभी देखिए ये जो साइक्लोन की पूंछ है, चूंकि साइक्लोन की आय है वो निकल चुकी है, ऐसे में जाते हुए भी ये काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसे में 11:30 बजे तक जो पहले सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था कल रात तक, वो अब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है और 11:30 तक ये इस तरीके की हवाएं खासतौर पर देवभूमि द्वारका और कच्छ और जखौ के आसपास नलिया में दिखेगी। और 11:30 बजे तक, 11:30 बजे के बाद डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा, उस वक्त इसकी रफ्तार है वो कम होगी। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर, ये अनुमान है जो मौसम विभाग का कि 11:30 बजे तक कच्छ में 80-90 की रफ्तार से यहाँ पर तेज़ हवाएं चलेगी और भारी बारिश होगी। क्योंकि आज कच्छ और बनासकांठा, अब देवभूमि द्वारका में रेड अलर्ट नहीं है लेकिन कच्छ और बनासकांठा में आज रेड अलर्ट दिया गया है। उत्तर गुजरात के 2-3 जिले, चाहे पाटन कह लीजिए, बनासकांठा कह लीजिए, साबरकांठा, इन 3 जिलों में भारी बारिश कच्छ के अलावा वहाँ पर हो सकती है। तो एक कैटेगरी डाउन ज़रूर हुआ, क्योंकि जितनी ताकत थी वो कल रात की तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी है। जसप्रीत आपने और हमने वो देखा किस तरीके का मंजर था जब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ। जब बड़ी कोई आपदा होती है तो उसको बड़े लार्ज स्केल पर इसके सामने आपकी रणनीति क्या होगी, ये एक एग्जीक्यूशन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पीएम मोदी लगातार संपर्क में है राज्य सरकार के साथ, कल भी भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री से बातचीत की, इससे पहले भी पीएम ने बातचीत की, अधिकारियों से लगातार बातचीत करते रहते थे, अपडेट लेते रहते थे और केंद्र सरकार से जो हर संभव मदद, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए जो इवैक्यूएशन आपने भी देखा जसप्रीत, हम जो दिखा रहे थे जो 1,00,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उसमें स्थानीय पुलिस के साथ NDRF, कोस्ट गार्ड, SDRF, सेना, BSF, ये सभी ने अपने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट थे और केंद्र सरकार की निगरानी में सब जब होता है, पीएम मोदी खुद ये इस बात में जब देखते रहते हैं तो इसका असर दिखा। और इतना बड़े साइक्लोन में अगर हताहत नहीं, अब तक का भगवान करे कि ये कोई हताहत का आंकड़ा आगे ना आए, अब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक जीरो कैजुअल्टी है और जीरो कैजुअल्टी के अप्रोच के साथ ही सरकार चल रही थी। और इसी के चलते 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। 98 का वो दौर याद कर रहे हैं हम, जो उस समय पर मैं खुद उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो 98 के उस दौर को जब हमने तस्वीरों देखी थी अखबारों में, तो वहाँ पर लाशें ही लाशें बिछी थी, 1,100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उस समय इतना प्रेडिक्शन एडवांस नहीं होता था,